आपके पास ना कैलकुलेटर सारी बेसिस अलाउ नहीं करेगा, तो बेसिस हमारे सिलेबस में दो हैं बेटा, दो बेसिस हैं जो कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है? FX82MS यूज करना है बस सिंपल, या 350MS। अच्छा, अब आपके पास दो बेसिस अलाउड है, एक बेस का नाम है जी, सॉरी, कॉमन बेस, और एक बेस का नाम होता है नेचुरल बेस। एक बेस का नाम होता है कॉमन बेस, दूसरी बेस का क्या नाम होता है? नेचुरल बेस होता है दूसरी बेस का नाम, ठीक है? कॉमन बेस और नेचुरल बेस, ये दो बेसिस हमारे कैलकुलेटर के अंदर होती है, ठीक है? कॉमन बेस में बेटे बेस की वैल्यू होती है 10, ठीक है? और इसका जो सिंबल होता है, अगर आप कॉमन बेस वाला लॉगरिथम यूज कर रहे हो, तो इसका जो सिंबल होता है बेटे वो दो सिंबल्स हैं। एलजी सिंबल लिखा जाएगा जब भी आप किसी बुक में या पेपर में देखोगे। कैलकुलेटर के ऊपर आपको एलओजी जो सिंबल लिखा नजर आता है, उसकी बेस ऑलरेडी 10 होती है, उसके नीचे बेस नहीं ना लिखी हुई जो कैलकुलेटर पे सिंबल डाला हुआ है एलओजी का। तो कैलकुलेटर पे जो एलओजी का सिंबल डाला हुआ है, उसकी बेस ऑलरेडी, याद रखिएगा, 10 होती है, ठीक है? सो दैट मींस अगर आप अपने कैलकुलेटर पे लॉग का बटन प्रेस करके 10 लिखते हो, तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? 1। क्यों? क्योंकि उसके नीचे यहाँ पे हिडन क्या लिखा होगा, हिडन बेस क्या है वहां पे, यहाँ पे 10 है, ठीक है? सो कैलकुलेटर पे जो लॉग का बटन होता है, उसकी बेस ऑलरेडी क्या होती है? 10 होती है, ठीक है? तो वहां पे उन्होंने लिखी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट, बेस अगर आपके पास होगी, अच्छा एक सेकंड, मैं इधर से एक क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 2^x = 10, उसको आपने सॉल्व कैसे करना है? याद करें, हमने यहां से क्वेश्चन शुरू किया था कि लॉगरिथम्स अगर आपको आ जाएं करने, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपने करना क्या है? स्टेप 1, इंट्रोड्यूस लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, इंट्रोड्यूस लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने अभी आपको कौन सा लॉगरिथम पढ़ाया? एलजी पढ़ाया, तो दोनों तरफ एलजी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट, मैं दोबारा एक दफा लिख लेता हूं ताकि आपको कॉपी करते हुए पता चलेगा कि मैंने किया क्या था। जी, दोनों तरफ लॉग इंट्रोड्यूस करवा दें, मैं दोनों तरफ एलजी लिख देता हूं क्योंकि एलजी लॉग है हमारा, ठीक है? सो दोनों तरफ एलजी इंट्रोड्यूस करवा दिया हमने। पावर पीछे चली जाएगी किसी पावर रूल से। सो नाउ आई एम गोना से XLG2 इज इक्वल टू LG10, XLG2 इज इक्वल टू LG10, और X इज इक्वल टू LG10 ओवर LG2, ठीक है? ये कैलकुलेटर पे कर लें। कैलकुलेटर पे आपने log 10 ओवर log 2 करना है, log 10 ओवर log 2, log 10 वैसे ही 1 होता है, 3.322 आ जाएगा, 3.322। अगर बेटे बेस नेचुरल हो तो बेस की वैल्यू याद कर लें, बेस की वैल्यू होती है ई, बेस की वैल्यू होती है ई। ई बेटे पाई की तरह का एक वो है, हमारे नेचर में कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, कांस्टेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, ठीक है? ये आपके पास 2.718 के करीब होती है, 2.7182। मैं अभी बता देता हूँ कैलकुलेटर पे ये कहां से मिलेगी, ठीक है? ई कांस्टेंट होता है, ई वेरिएबल नहीं होता, याद रखना, पाई की तरह होता है। अच्छा, इसका सिंबल एक ही है, इसका सिंबल है जी LN, log natural, log natural, LN, log natural, ठीक है? ये वो है जिसको आप कैलकुलेटर पे बचपन से IN पढ़ रहे होते हो, I नहीं होता, वो L होता है log के लिए, small L होता है log के लिए, और N for natural, ठीक है? और ये book और book paper और कैलकुलेटर में सेम सिंबल है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप करोगे log E निकालने की, सॉरी LN E निकालने की कोशिश करोगे कभी भी, तो उसका मतलब है आंसर क्या आना चाहिए? LN E का आंसर क्या आना चाहिए? क्योंकि बेस में एक हिडन E लिखा हुआ है, बार बार बेस ना लिखनी पड़ेगी, इसलिए इनके सिंबल्स LG और LN बनाए हुए हैं। तो LG जब भी बेस होगी उसका क्या मतलब है? नीचे बेस क्या लगी हुई है? 10, ठीक है? और LN जब भी लिखेंगे उसका क्या मतलब है? नीचे बेस क्या लगी हुई है? E, वो लिखनी नहीं पड़ती है बार बार, इट्स अ शॉर्टकट बेसिकली, ठीक है? अच्छा, तो अब अगर मैंने ये 2^x = 10 सॉल्व करना होता, तो पहला स्टेप तो वही है, लॉगरिथम इंट्रोड्यूस करवाओ।
तो बेटा आप कोई भी लॉगरिथम इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, उसके अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एलजी करवाना है या एलएन करवाना है। तो आपके पास कैलकुलेटर पे दो कैलकुलेटर बेसिस हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉगरिथम बेस, इट्स अप टू यू व्हिच एवर लॉगरिथम बेस यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है? सो एक्स पीछे चला जाएगा पावर एक्स एल एन टू इज इक्वल्स टू एल एन टेन एंड एक्स इज इक्वल्स टू एल एन टेन ओवर एल एन टू, और आप कैलकुलेटर पर करेंगे एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। तो हमें फर्क नहीं पड़ता हम कौन सी बेस यूज करें, टेन यूज करें या ई यूज करें, दोनों से आंसर सेम आने होते हैं। हमारी कोई पर्सनल प्रेफरेंस उसके अंदर काम नहीं करती है, ठीक है? सो दो बेसिस आपको अलाउड है जी सिलेबस में, एक बेस कॉमन बेस है जी और दूसरी बेस है जी जिसका नाम है नेचुरल बेस। इसके अलावा अगर आप कोई और बेस लेके कैलकुलेटर में लिख के कर देते हैं तो मार्क नहीं मिलेगा मेथड का, 100% क्लियर बात है। कि टीचर टू टीचर वेरी नहीं करेगी, आपको कोई टीचर नहीं बताएगा कि आप बेटे कैलकुलेटर यूज करके तो दूसरी बेस से निकाल लें, ठीक है? उसका मेथड का मार्क एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी मार्किंग स्कीम में।